24 साल का लड़का जी हिला के रखा हुआ है। अरे अब तो आपका बायोडाटा निकल चुका है, लड़की ढूंढी जा रही है 1001 गाड़ियां लेके रॉली के साथ शादी। सब चिल है भाई, सब चिल है, मेरे को रोस्ट करो मैं भी तो चिल। नहीं आपने तो अच्छा का तो सिस्टम हैंग कर रखा है। बिग बॉस OTT जिन्होंने जीता, उन्होंने सिर्फ जीता ही नहीं दिल भी जीते हैं, पर इसके साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। 16 साल में पहला वाइल्ड कार्ड जिसने बिग बॉस OTT को जीता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो जीतने के बाद इंस्टा पर गए तो इंस्टा लाइव का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, और इसके बाद कई रिकॉर्ड ब्रेक करते करते सिस्टम हैंग करा दिया है। अब नाम बताने की जरूरत नहीं, आज हमारे पास साथ हैं एल्विश यादव, तालियां बजा दीजिए। थैंक यू जी। तो एल्विश आप हमारे साथ हैं, ये है हमारा आज तक डिजिटल का पूरा न्यूज रूम। वाओ यार, और यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने आपको वोट्स किया है, आपको जिताया है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और सबसे पहला जो मेरा आपके साथ सवाल है, आपने बिग बॉस जीता, आग बाहर आके आपने मीटअप किया जिसमें लाखों की भीड़ थी जी। और हमारे CM हरियाणा के वो भी थे जी। तो आपका मंच पे आते ही क्या था कहना कि अब मैं राजनीति करूंगा? नहीं, वो पॉलिटिकल मीटिंग के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ अपना आशीर्वाद देने आए थे और सम्मानित करने आए थे। हमने भी उन्हें सम्मानित करा, उन्होंने भी बराबर का हमें सम्मानित करा, तो वैसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सब चीज पर्सनल। अच्छा, नहीं तो लेकिन आपने अंदर पे घर में एक जो एस्ट्रोलॉजर थे उनसे आके पूछा था बेबी का के फादर कि, तो आपने बोला, उन्होंने भी बोला कि आप राजनीति में जाएंगे 36 के साल में, तो अभी तो वक्त है, बहुत वक्त है अभी, लेकिन किस पार्टी से जाएंगे? अभी तो पता क्या, उनके आने के बाद चर्चा होने लगी कि आप BJP ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मैं, मेरी तो एक ही पार्टी है भाई, पूल पार्टी। अच्छा, तो आपकी अपनी पार्टी होगी जी? पूल पार्टी करते हैं। पूल पार्टी करेंगे आप जी। ओके, तो बिग बॉस में जीत लिया, कैसा लगता है? आपका तो रौला पहले भी बहुत सारा था यार, अभी कैसा लगता है बिग बॉस जीतने के बाद? अब कोई फर्क आया? नहीं, बिल्कुल आया, मेरे अंदर नहीं आया, बट आपके अंदर नहीं, बाहर ऑडियंस में फर्क आया। पहले जो मेरे लोग थे वो ज्यादातर नॉर्थ साइड के, नॉर्थ इंडिया के, बट अब बिग बॉस की जनता जो है वो पैन इंडिया है। ओके, तो अब और स्टेट्स में भी, बेशक कम बट वो जानते हैं मुझे कि हाँ ये कोई है। हाँ, ऐसे वाला ये चेंज आया। जो आपने बोला ना, ये बात सही है, जैसे मैंने देखा पहले जो लोग थे उन्हें पता था, आपके जो फैन है उनको पता है राव साहब कौन है, सिस्टम क्या है, सिस्टम हैंग होना क्या है। बिल्कुल, लेकिन अभी आप खुद बताइए, क्योंकि जो आपने बोला ना आपकी जनता बढ़ी है जी, सिस्टम क्या है जो हैंग होता है और सिस्टम हिलता है? भाई सिस्टम पता है क्या है, सिस्टम है, सिस्टम है, कुछ इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप गूगल भी करोगे तो भी आएगा सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम है, सिस्टम जी। तो ये आया कहाँ से? क्योंकि आप सिस्टम नहीं, आप सिस्टम बोलते हैं। नहीं, हमारे एक भाई हैं, वो हर चीज के बारे में बोलते थे भाई सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम, तो वहाँ से वो पसंद आ गया मुझे, कैच कर लिया मैंने उसे, तो फिर मैंने बोलना स्टार्ट करा तो सबको मजा आ गया, सब बोलने लग गए, फिर लोगों को मजा आने लगा, लोग बोलने लग गए, तो ऐसे ऐसे फैला रहे हैं हम इस चीज को। अच्छा, आगे सिस्टम चल रहा है, सिस्टम फैला रहे हैं हम, हैंग कर रहे हैं, पूरा हैंग हो रहा है। नहीं, आपने तो अच्छा खासा सिस्टम हैंग कर रखा है। और एक चीज और भी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो आपका इश्क, आपके इश्क के बहुत चर्चे हैं, इश्क के चर्चे हो गए मेरे। कभी कोई लड़की चंडीगढ़ की होती है, कभी कोई मुंबई की होती है, कभी आप कहते हैं कि पसंद तो है गर्लफ्रेंड चंडीगढ़ में, पंजाब की, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है। मेरी ना हर स्टेट में एक गर्लफ्रेंड है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। ये हैं वो लोग जिन्होंने आप पे काम किया है। अरे वाह यार, और आपकी ढंग से खबरें बनाई हैं, वोट किया है, धन्यवाद। तो इनका एक सवाल है आपके इश्क पे, इसलिए मैं आपको यहाँ तक लाया। आपकी लव लाइन बहुत चर्चा में बनी हुई है। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर इतना सस्पेंस बना हुआ है, तो वो कौन है? मैंने अभी तो बताया, 28 कितने स्टेट्स, 28 होने थे स्टेट्स अपने, 28 पूरा देश जानना चाहता है, पंजाब की, पंजाब की, लेकिन पंजाब की कौन है? अरे मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कुछ नहीं है, है बिल्कुल, है पंजाब में, चंडीगढ़ में, बढ़िया। चलो फिर, कैसी चाहिए, मनीषा रानी जैसी चाहिए? नहीं नहीं, वो दोस्त है, बट जो है मेरी वाइफ वो है। अच्छा है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है? नहीं है। ये तो आपने जो हमारा काम पता नहीं मुश्किल किया या आसान किया, हम ढूंढना और ज्यादा टफ हो गया। नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं है। नहीं है सोशल मीडिया पे। तो कब शादी वादी करने का इरादा है? पंडित जी से तो आप लोग पूछ रहे थे अंदर घर के। अभी मैं फोन करके मम्मी से पूछ के बताता हूँ कब है शादी ना। हाँ, एक दो दिन में वो तो और बता अच्छा। देना, हम आएंगे 1001 गाड़ियां लेके रॉली के साथ शादी के। पूजा भट्ट को लेके आपने बहुत बार बोला है कि वो आपको पसंद है, अगर वो आपकी एज की होती तो आप उनके बारे में सोचते जी, तो वो बताइए कि मतलब आप मिस कर रहे हैं उन्हें? बिल्कुल मिस कर रहा हूँ मैं उनको, बहुत मिस कर रहा हूँ पूजा जी, इफ यू आर वॉचिंग दिस आई मिस यू। लेकिन आपका दिल आलिया भट्ट पे भी आ रखा है, पूजा भट्ट पे भी आ रखा है, अपना ऐसा ही है। महेश भट्ट को आपने रोस्ट कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, तो क्या हो गया, सब चिल है भाई, सब चिल है, मेरे को रोस्ट करो मैं भी तो चिलूं। अच्छा, लेकिन आप जब महेश भट्ट से मिले तो कैसे लगे आपको? एक आपने रोस्ट किया था सलमान खान को, आपने रोस्ट कर रखा। मेरा ये मानना है अगर कोई आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करें, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, मैंने बहुत अच्छे से बात करी। ये भी है कि सब बोल रहे हैं कि आप अभिषेक से मिलने नहीं गए।
नहीं, मेरा थोड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था, मैं जाने वाला था, बट जिस दिन सारी चीज़ें हुई हटी मैंने उससे पूछा, वो डिस्चार्ज हो गया था। तो कब तक जा रहे हैं आप? मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ, यहाँ से फ्री होकर चले जाता हूँ। मैं सब देखना चाहते हैं, फैंस मिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा, अभी क्या है, पूरा फैंडम आपने कमा लिया है अच्छा खासा जी, तो अभी बॉलीवुड भी आपकी ओर देख रहा है। अच्छा। और OTT तो आप छाए हुए हैं, बिग बॉस 17 में जाएंगे? अभी तो नहीं, अभी नहीं। नहीं कभी क्या मतलब, बिग बॉस का खाना खा के और बर्तन धो के परेशान हो गए? नहीं, वो बहुत मतलब, ये तो 30 दिन था मैं अंदर, वो 150-150 दिन का होता है, वो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। अच्छा, वो हाँ, वो तो खाली आँखें बढ़ा भी देते हैं काफी। हाँ यार, वो बहुत गलत सिस्टम है वाला ना। तो वहाँ पर तो आप जिम विम भी करते थे? हाँ, करीना जिम, झटका आ गया कमर में, झटका आ गया जी। अच्छा, तो आपकी सेहत पे हमारे पास ये है मृदुल, इनका एक सवाल था, ये बैठे हुए। अच्छा, इन्होंने आपकी फिटनेस सोच पे के बैठ रखे हैं। नहीं नहीं, हमारे ये एक्चुअली फिटनेस डिपार्टमेंट है, वो हमारा एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है। अरे वाह यार, तो इनको जानना था कि आपने कितने डंबल मारे और क्या खाते हो। आप अचानक से मुझे यहाँ अचानक से लंबे से लग रहे हो, तो क्या है कि हाइट कैसे बढ़ा ली है पूछने वाला? आपके कुछ वीडियोस आए थे जो बिग बॉस से हुए थे, आप योग कर रहे हैं, तो आपका डेली रूटीन क्या है अगर बिग बॉस से घर से? अब क्या डेली रूटीन भाई, अब है मेरा डेली रूटीन, मैं रात को सोता हूँ, मतलब सुबह सोता हूँ मैं 5 बजे, और फिर सुबह इंटरव्यू देने आ जाता हूँ आँख बंद में। उसके बाद अब खाना भी नहीं खाया, जैसे मैंने तुमने खिलाया भी नहीं ना अभी तक, तो मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद पता नहीं भाई कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ ना जाऊँ। पहले आप वर्कआउट के वीडियोस पोस्ट करते थे इंस्टाग्राम पे, लेकिन देखा जा रहा है पिछले 6 महीने से कुछ नहीं है, तो वर्कआउट बंद हो गया या मेरे बैक इंजरी हो गई उसके चक्कर में मैंने छोड़ दिया जी? थैंक यू। और नहीं, सवाल तो बहुत सारे हैं इधर, हम आपको अगर मिलवा दें तो हमारी ये बिजनेस टीम है पल्लवी, जो हमारी बिजनेस टीम में काम करती है। अरे वाह, बिजनेस इनका एक सवाल है, पसंद है कि आप यूट्यूब से तो बहुत सारी कमाई करते हैं, यूट्यूबर्स को पता है। अरे कहाँ कमाई करते हैं, आपके क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, आप टेलीग्राम पे ट्रेडिंग के टिप भी देते हैं। अरे वाह, तो असली सवाल बिजनेस टीम का ये है, भाई लड़का हमारा कमाता कितना है? उसके अलावा मैं ब्रांड स्पॉन्सर से कमाता हूँ, तीसरा मैं स्टॉक मार्केट से कमाता हूँ, चौथा मैं क्लोथिंग ब्रांड से कमाता हूँ, पांचवा अभी मेरा एक स्टार्टअप लॉन्च होने वाला है, मैं उससे कमाऊंगा शायद, और भी मैंने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, मैं वहां से कमाता हूं। और लड़के ने बिग बॉस में बर्तन भी धोए हैं, तो लड़का गृह कार्य में भी दक्ष जी, तो बर्तन मांज के भी पैसे कमा सकता हूं मैं। गुड जी, पूरा फिट। बिल्कुल। अब तो मुझे लग रहा है लाइन लगनी है, लड़कियां आएंगे 1000 गाड़ियां लेके। ना ना कि बर्तन धो दो हमारे, ना ना गृह कार्य में दक्ष लड़का पूरा हमारा जी। तो ये आपको कैसा लगा फिलहाल हमारा आज तक? बहुत अच्छा लगा आपका आज तक डिजिटल। और अच्छा, अब हाँ एक और सवाल है मेरा आपसे, जो बहुत ज्यादा इस वक्त पंगा चल रहा है सोशल मीडिया पे। आज जो हमारे बॉक्सर हैं विजेंद्र, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है एक। अच्छा, कि हमारे जो पदक बॉक्सर एक्टर विजेंद्र यादव, उनका कहना है कि उनका कहना है कि जितने हमारे पदक मेडल जीतने वालों की इज्जत नहीं हो रही, उससे ज्यादा बिग बॉस के विनर जब अपने गाँव लौट रहे हैं तो उनके लिए स्वागत हो रहा है। दूसरी तरफ स्वरा भास्कर ट्विटर पे उतर आई हैं, उनका कहना है, उन्होंने आलिया भट्ट को तंज करते हुए आपको इनडायरेक्टली तंज मारा है कि हाँ वही उनको ओल्ड फ्रेंडशिप याद आ गई है मुझे भी, कि आपने ऐसी भाषा यूज करी, ऐसी बातें करते हैं, आलिया ऐसे बंदे का सपोर्ट कैसे कर सकती है, आप कैसी एक्ट्रेस है? ये तो देखो आलिया भट्ट बताई पसंद करती होगी शायद, बाकी तो मेरा क्या ही कहना है भाई। स्वरा भास्कर को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता, उसका कोई टिप्पणी। अच्छा, स्वरा भास्कर तो ना बराबर है वो ट्विटर पे, नहीं कौन है ये स्वरा भास्कर, नाराजगी तो किसी उससे होगी ना जिस एग्जिस्ट करता हो जो। अच्छा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती? नहीं, मेरे लिए नहीं करती, एक टाइम पे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं सिस्टम हैंग कर चुका हूं उसे एक बार ही ऑलरेडी, अब बार-बार मैं एक बार जिसको हैंग कर दिया बार-बार नहीं करते, बार-बार नहीं करना। ओके, तो ये अभी लेकिन सोशल मीडिया पे अब ये चीजें शुरू हो चुकी हैं कि ये बहुत मजा आएगा फिर तो। कई लोगों ने ये भी बोला, ये तो ट्रैफिक जाम लगा देता है लड़का, ट्रैफिक के रूल्स ही नहीं फॉलो करना। अब वो लोग बाहर निकल रहे हैं, उनसे जाम नहीं लग रहा तो भाई ये मैं कैसे फॉलो करवाऊंगा अगर मैं मेरे निकलने पे जाम लग रहा है तो अभी आपका अच्छा इसके आगे का क्या है? बिग बॉस तो हो गया और बिग बॉस में सलमान से डांट सबको पता है। नहीं, आप डांट नहीं दी वो, नहीं वो समझाना था जी। लेकिन आप रोए, बहुत लोगों को बुरा लगा, दिल टूटे हैं। नहीं नहीं, वो हम सबको क्लिक हुआ, लोगों के दिल टूटे क्योंकि वो जो रोना था ना वो बहुत ज्यादा था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो चीज आपकी हुई ना, आप एक फीमेल से आपको क्या नाराजगी है उसमें? घर में भी दिखी
स्वरा भास्कर पे भी दिखाई दे रही है और कई जगहों पे दिखती है, और एक सूट दुपट्टे वाली लड़की आपको बीच पे भी चाहिए, ये क्या है मतलब? नहीं, वो रोस्ट आप शायद समझे नहीं वाली चीज़ ना, मैं अपने आप को रोस्ट कर रहा था वो चीज़ बोल के, और मैं बहुत बारी बोल भी चुका। मैं भी आज ऐसे सूट दुपट्टा डालने में, तो मैं कहा नहीं, आप इसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हो, बल्कि आप कुछ भी पहनते हो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और सेम चीज़ मैं सबको बोलूँगा जो कोई गलत मेरे बारे में धारणा रख रहा है कि मैं कपड़ों पर टिप्पणी करता हूँ, वो कोई मेरा नहीं है भाई, जिसका जो दिल करे पहनो, कुछ भी पहनो अपने हिसाब से, मैं तो कौन हूँ ये सब करने वाला। बट वो मेरी दोस्त थी और उसके कपड़ों पर मुझे दिक्कत नहीं थी, वो जिस तरीके से बैठ रही थी वो, तब मैं कह रहा था कि थोड़ा संभाल के। तो अभी मनीषा रानी के ऑफर का क्या करना है? वो तो कह रही थी मैं तो बाहर आके कहीं मेरा फोन मत उठाना, कि आप उठा रहे हैं फोन या बंद कर। मेरी कल बात हुई है उनसे, कल हुई बात, बहुत मजाक किया है, उसको मजाक में लूंगा मैं टाइम। नहीं, उन्होंने तो पूरा रिश्ता दे रखा था आपके फादर को, तो वो ससुर कह के ससुर जी बुला रही थी। नहीं, वो थोड़ी चिल ज्यादा है, मतलब हमारे में थोड़ा ना रिजर्वड है हम लोग, इतना ओपन अप नहीं होते, वो थोड़ी ओपन अप ज्यादा है, वो उसकी अच्छी बात है, वो दिल से काफी अच्छी बनती है दिल की। तो अभी आगे का आप क्या है? बिग बॉस हो गया, 17 आप जान ही रहे, आपने क्लियर मना कर दिया, आगे क्या करेंगे इसके बाद, सेकंड क्या करना है? अब मैं खोलूंगा एक प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस। अच्छा, उसमें फिर अब मैं प्रॉपर्टी बेचना शुरू करूंगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का? या अच्छा खासा बिजनेस है इसमें तो पूरा। तो अभी शेयर मार्केट में भी आप हैं बिजी? जी। क्लोथिंग ब्रांड है आपकी सिस्टम? जी। तो 24 साल का लड़का जी हिला के रखा हुआ है हिंदुस्तान। नहीं नहीं पूरा, मुझे लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया सब करने में, 24 ज्यादा हो गया। चलिए वो भी बचा है, लेकिन अभी बस मेरा जो आखिरी सवाल होगा उसके साथ रैप अप होगा, मुझे ये है कि आगे हम कहाँ देखेंगे अल्विश को, क्योंकि हम मिस करेंगे आप घर में रहना, आप शायद उगते पर लोग, आपको पता है जब आप लोग सो रहे होते हैं उस वक्त भी कई लोग व्यूज देख रहे होते हैं सोते हुए, पता नहीं उनको क्या है। प्यार है उनका, प्यार है। तो मेरा मतलब अगला प्यार उनको कहाँ मिला, आप कहाँ देखेंगे उनका जो प्यार है? अगला प्यार अभी तो यूट्यूब पे देखना, बाकी दूसरा प्यार टाइम आने पर मैं बता दूंगा। अच्छा, शादी आप अभी नहीं कर रहे? हाँ, अभी एक दो महीना तो नहीं, एक दो महीना नहीं कर रहे। चलिए, हमारे साथ थे अल्विश और उनके धमाके ज़ोरदार हैं, उनका सिस्टम, उन्होंने आज तक का सिस्टम भी हैंग कर रखा है और आगे भी करते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे आपसे नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अल्विश हमें वक्त देने के लिए।